इस जश्न आजादी के मौके पर ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन माननीय मनिंदरजीत सिंह बिट्टा एवं कर्नल मनोज कुमार ने तिरंगा फहराते हुए विशाल जन समूह को संबोधित करते हुए जय हिंद के नारे लगवाए। आपको बता दें कि कार्यक्रम में फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लेकर बच्चों ने स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाई। बच्चों के अंदर ऐसी देशभक्ति देखकर महेंद्र सिंह बिट्टा भी बेहद उत्साहित दिखे। शहीद तेरी मौत है इस वतन की जिंदगी, तेरे लहू से जाग उठी इस चमन की जिंदगी। मेरे भाई वीर भाई शाह जी, मैं उनका बड़ा आभारी हूँ जिन्होंने मुझे आज के दिन यहाँ पे बुलाया। कार्यक्रम बहुत थे हर कोने में, दिल्ली के अंदर, राजस्थान के अंदर, पर मेरा बहुत प्यार है इनसे, आपसे मिलना था, तो मैं आपके पास आज उस शुभ दिन के, आज़ादी के दिन के ऊपर आपके पास हाजिर हुआ। और मेरे बड़े भाई आहूजा साहब, गौरव जी, मनोज जी, और यहाँ पे मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे पिता समान राष्ट्रभक्त, सबको आज के दिन मैं वंदे मातरम करता हूँ। मैं जब अंदर आया तो अब अपने बच्चों को देखा, कोई शहीद आजम भगत सिंह, कोई राजगुरु सुखदेव, को मंगल पांडे, को चंद्रशेखर आजाद, को छत्रपति शिवाजी महाराज, को रानी झांसी, हाथ में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे, जब सबके अंदर मैंने जोश देखा तो मुझे वो बचपन का दिन याद आया इन बच्चों को देख करके। आज हम जात पात मजहब धर्म के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, हम राजनीति के अंदर एक दूसरे के ऊपर फर्क डालने की कोशिश करते हैं। प्रथम राष्ट्र हमारा नारा होना चाहिए। को कहता मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, को कहता मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने खून दिया, हम इस मातृभूमि के चरणों में रहते हैं, इस मातृभूमि का हम नमक खाते हैं, वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है। आजादी, आजादी का दिन मनाना बड़ा आसान है, पर आजादी की रक्षा हर कदम पे चलना ये बड़ा मुश्किल है। ये मत समझो कि हर चीज का हल पॉलिटिशियन है, हर चीज का हल सरकार है।
आपने क्या राष्ट्र के लिए जिम्मेदारी निभाई है, एक एक व्यक्ति मेरी बहन मेरे भाई को सोचना हो। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं बम्बू गोलियों से तो बच गया, मौत मेरी दोस्त है, बम गोलियां मेरे दोस्त हैं, पर मैं कई बार सिस्टम से घबरा जाता हूं। मुझे एक बार मूवर एंड शेखर ने सवाल पूछा, शेखर सुमन ने सोनी टीवी में 15 साल पहले, कि तो आपके ऊपर इतने बम चले आपको मौत से डर नहीं लगता? मैं कहा ना, मौत मेरी दोस्त है, जब बम्बों गोलियों से जाऊंगा मेरे बच्चे भी कहेंगे हमारा पिता राष्ट्र के लिए शहीद हुआ है, मेरे दोस्त भी कहेंगे हमारा दोस्त राष्ट्र के लिए शहीद हुआ है, मौत तो मेरी दोस्त है। पर मैं एक चीज से डरता हूं। उसने बड़ा हैरान होकर शेखर सुमन ने पूछा, जब मौत से नहीं डर तो फिर किस चीज से डर? मैं कह जब बम्बों गोलियों से जाऊंगा मैं शहीद कहलाऊंगा, पर जब राजनीतिक आतंकवाद से मेरी मौत आएगी, मेरी मौत और जानवर की मौत में फर्क नहीं रहेगा, इसलिए मैं बम्बों गोलियों से मरना राष्ट्र के लिए, मातृभूमि के लिए, बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए मरना पसंद करूंगा। पंजाब के अंदर 36,000 बेगुनाहों का खून हुआ, बहनों के सुहाग उजड़ गए, बच्चे यतीम हो गए, खून की नदियां बह गई। किसी माँ को यह नहीं पता होता था मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी बेटी घर से निकली है, आज वापस आएगी या नहीं आएगी, या आतंकवादियों की गोलियों बम्बों का निशाना बन जाएगी। बच्चों से ट्रेनों से निकाल करके सिख समाज के लोगों को अलग करके हिंदू समाज के लोगों को गोलियों से मार दिया जाता था, पर हमने ये वादा किया था मातृभूमि से, अगर किसी हमारे हिंदू भाई को गोली लगेगी पहले बिट्टे का सीना पार करके जाएगी, इस मातृभूमि के अंदर खालिस्तान नहीं बन सकता। जब जब खालिस्तान की आवाज उठी हमने उनको चैलेंज किया, ये आजादी की रक्षा है, खालिस्तान ना बना था, ना बना है, ना बनेगा, ना कभी बनने देंगे, और जब भी को खालिस्तान बनने की बात होगी गंदी हनेरी की तरह हमारी लाशों से निकल के चले जाएगा। तो मैं आज के दिन आपको बड़ी बड़ी मुबारकबाद देता हूँ, फिर कभी मौका मिला आपके पास होंगे हाजिर, और आपको ये जरूर कहूंगा कि अपनी अपनी जिम्मेदारी को जरूर निभाइए। मैं भी आपके सामने वर्दी के बगैर हूँ, मैं राष्ट्र के अंदर पूरे देश की जिम्मेदारी जितनी भी मुझे मिलती है मैं चल नहीं सकता, पर अपनी मातृभूमि की आजादी की रक्षा की मैं जिम्मेदारी जरूर उठाता हूँ। और आखिर में आपको ये जरूर कहना चाहूंगा, और उन आतंकवादियों को जो आतंकवादी रोज हमारे राष्ट्र को हमें निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, एक शाम चिरागों में सजा रखी है, चंद लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अनजान की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी है। और आज के दिन फिर पाकिस्तान को भी जवाब देना चाहता हूं, जिस पाकिस्तान को एक गोली चलती है हमारे जवान 100 गोली का जवाब देते हैं, हे पाक तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा, कश्मीर हमारा है हमारा ही रहेगा। आखिर में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे वादा करके जाता हूँ, इस बोनस की जिंदगी के अंदर, मैं तो मर चुका कई बार, ये मेरी बोनस की जिंदगी है, हे भारत माँ तेरे चरणों में शीश चढ़ाने आए हैं, जितनी भी अपने पास बची वो साथ चढ़ाने आए हैं, ये जान हथेली पर रखकर कुछ कर दिखलाने आए हैं, है कफन का टुकड़ा जेबों में कुछ कर दिखलाने आए हैं, वंदे मातरम, जय हिंद।